स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का पार्ट 7, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस। मनोज और रमन मित्र हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, ये दोनों जो लड़के दिख रहे हैं ये हैं मनोज एंड रमन। वे एक साथ खेलते हैं, दोनों एक साथ खेल रहे हैं, उनके माता पिता भी उनसे खुश रहते हैं। तो पीछे देखिए, ये हैं उनके माता पिता। मनोज अपने मित्रों की सदा मदद करता है, वह एक अच्छा बालक है। रमन पढ़ाई में होशियार है, वह कक्षा में प्रथम आता है। आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में, जो भी वाक्य मैंने पढ़कर सुनाए, मनोज तथा रमन के नाम बार बार ना लिखकर उनके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी कि मनोज और रमन का नाम बार बार नहीं आए, उसकी जगह पर हमने कुछ शब्दों को यूज़ किया है, जैसे कि वे, यानी मनोज और रमन दोनों के लिए लगाया हमने वे, उनके यानी कि उन दोनों के पिता माता पिता, उनसे यानी कि उन दोनों से, ये भी मनोज और रमन के लिए लगाया है, अपने ये भी मनोज और रमन के लिए लगाया है, वह ये हमने लगाया मनोज के लिए जहाँ एक था, और रमन के लिए जहाँ वो अकेला था, और जहाँ वो दोनों एक साथ थे वहाँ हमने वे लगाए। जब हम बात करते हैं तब बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता। जब हम किसी से बात करते हैं तो बार बार किसी का नाम लिया जाए वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उनकी जगह कुछ शब्द यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किए थे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान, या कि बार बार नाम लेना नहीं पड़े, उनकी जगह पर जो शब्द यूज़ करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सुंदर लगती है। संज्ञा की तरह ही इसमें भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो भाषा अच्छी लगती है, बोलने में अच्छा लगता है। संज्ञा की तरह, जैसे संज्ञा में आपके एक वचन और बहुवचन होते हैं, वैसे ही आपके सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्वनाम के भेद। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है संकेतवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ निजवाचक सर्वनाम। पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो सुनता है, सामने वाला बोलता है, या अन्य किसी और भी व्यक्ति जो होते हैं उनका बोध कराता है, जैसे कि वह, तुम, मैं, हम आदि। जैसे कि यहाँ पर देखिए पिक्चर में, मैं खेलती हूँ, हम लिखते हैं, तुम कल कहाँ थे, वह पढ़ता है। तो यहाँ मैं, हम, तुम, वह, ये आपके हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है आपका संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिससे हमें पता चले कि किसी व्यक्ति के बारे में हमें निश्चित पता चले कि व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो आपके संकेतवाचक। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पुस्तक के बारे में यह बोला गया, ये आम मीठे हैं, आम के लिए ये यूज़ किया गया, वह कुत्ता है, कुत्ते के लिए वह यूज़ किया गया, वे पक्षी हैं, पक्षियों के लिए वे यूज़ किया गया। तो ये होता है संकेतवाचक, यानी कि एक निश्चित व्यक्ति की या वस्तु की ओर संकेत करना। थर्ड है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। वे सर्वनाम शब्द जिससे हमें पता नहीं चलता किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में। जैसे हमें संकेतवाचक में पता चल रहा था, लेकिन अनिश्चयवाचक में हमें पता नहीं होता। जैसे कि आपके हैं कोई, किसका, कुछ आदि। शायद कोई है, यहाँ पर पता नहीं है कौन है, कोई है। गिलास में थोड़ा दूध है, दूध का भी नहीं पता, थोड़ा लिख दिया है। तुम्हें किसने मारा,
मारने का नहीं पता कि उसे किसने मारा, यह पुस्तक किसकी है, बुक का नहीं पता कि ये बुक किसकी है। तो जब हमें किसी के बारे में पता नहीं चले, उसके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई, किसका, कुछ आदि। फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वो सर्वनाम वर्ड्स यानी कि जिनका प्रयोग हम करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं उसके लिए, जैसे आपके हैं किसे, कौन, क्या, कहाँ आदि। जैसे यहाँ पर पिक्चर में देखिए, तुम किसे बुला रहे थे, माता लड़के से पूछ रही है तुम किसे बुला रहे थे, पूछना है ये वह आदमी कौन है, लड़का पूछ रहा है वह आदमी कौन है। क्या तुम आ रहे हो, या आदमी किसी से पूछ रहा है क्या तुम आ रहे हो, तो ये जो है किसे, कौन, क्या, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउंस। वे सर्वनाम शब्द जिनका संबंध दूसरे सर्वनामों से होता है, यानी कि वो सर्वनाम वर्ड्स जिनका रिलेशन आपके दूसरे सर्वनाम शब्दों से होता है, जैसे कि जो, वो, जैसा, वैसा आदि। जैसे जो करेगा वो भरेगा, जैसा काम करोगे वैसा वेतन पाओगे। तो ये जैसे यहाँ पर जो, वो, जैसा, वैसा जो यूज़ किए, ये हैं आपके होते हैं संबंधवाचक, एक दूसरे संबंध दिखाना। नेक्स्ट है आपका सिक्स निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, यानी कि जो काम कर रहा है वो अपने लिए जो यूज़ करता है, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि स्वयं, अपने आप आदि। यहाँ पिक्चर में देखिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ये हमारे अपने के लिए यूज़ किया गया है स्वयं। चित्र मैंने अपने आप बनाया, तो ये जो लड़का है उसने अपने आप बनाया, उसके लिए ये यूज़ हुआ है अपने आप। तो यहाँ स्वयं और अपने आप जो यूज़ हुए हैं वो है आपके निजवाचक सर्वनाम। ये हुए सर्वनाम के भेद, जो आपके छह सर्वनाम थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हुआ आपका चैप्टर फिनिश।